स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का ग्रामर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो नाउन का डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन, नाउन संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मुंबई इज ए बिग सिटी। मुंबई, तो मुंबई क्या हो जाएगा? एक प्लेस का नाम हो जाएगा, तो ये नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे सिटी भी हो जाएगा, तो ये भी नाउन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे पेन थिंग्स के नाम हैं और टेबल भी, तो इसीलिए ये दोनों भी हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। अब हम पर्सन, इसके बारे में देखेंगे, सबके अलग अलग बारे में। पर्सन, पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे हो जाएंगे मोहन, अंकिता, बॉय, गर्ल, एटीसी। तो हम किसी भी नाम को क्या कहेंगे? पर्सन हो जाएगा। प्लेस, प्लेस में हो जाएंगे दिल्ली, पार्क, स्कूल, होम, एटीसी। एनिमल, एनिमल में हो जाएंगे कैट, डॉग, लायन, बर्ड, एटीसी। थिंग, थिंग में हम किसी भी वस्तु का नाम, बैग, चेयर, पेन, पेंसिल, एटीसी। तो इस तरीके से मोहन, अंकिता, बॉय, दिल्ली, पार्क, कैट, डॉग, बैग, चेयर, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन। अभी हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, कितने काइंड्स होते हैं? फाइव काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब क्या हैं? काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू।